कांग्रेस आज अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर सकती है। और जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रवि मिश्रा जुड़ गए। रवि, सबसे पहले तो ये बताइए कि जो जानकारी मिल रही कि कांग्रेस आज अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर सकती है, क्या और अपडेट है, क्या पुख्ता ये जानकारी कि कांग्रेस आज ही अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दे? बिल्कुल सुदेश, देखिए कांग्रेस खेमे में इस सुगबुकाहट जरूर है कि आज देर शाम तक सूची जारी हो सकती है, मगर जो जानकारी प्राप्त हुई सब कमेटी की इस बैठक से जो कि हिमाचल भवन में चल रही थी, आपको बता दूं ये तस्वीर है हिमाचल भवन के बाहर की, कि कुछ देर पहले ही यहां पर तमाम नेता बाहर निकले हैं, सब कमेटी की बैठक समाप्त हो चुकी है। मगर जो जानकारी प्राप्त हुई है कि विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया की ज्वाइनिंग के लिए जब यहाँ से प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी दीपक बबरिया दोनों शख्स जाते हैं तो तकरीबन 2 घंटे का समय जो कि इस बैठक से ये दोनों शख्स नदारत रहते हैं, जिसके बाद ये जानकारी प्राप्त हुई कि उनकी कमी के कारण कुछ नामों पर अभी भी असमंजस की स्थिति है और जब वो यहाँ पर पहुँचे तो उतना समय बैठक को नहीं दे पाए, तो लिहाजा ये कहना गलत नहीं होगा कि थोड़ा समय लग सकता है, मगर क्या कुछ नामों की सूची आज जारी कर सकती है इस पर अभी भी संशय बना हुआ है। तमाम नेता, वरिष्ठ नेता यहाँ से निकलकर कांग्रेस मुख्यालय पहुँचे हैं जहाँ पर कांग्रेस की CEC की बैठक कुछ ही देर में शुरुआत होने वाली है। उस बैठक में जो यहाँ पर होमवर्क किया गया है उस होमवर्क को अंतिम रूपरेखा दी जाएगी, मगर इंतज़ार करना होगा या देर शाम तक या फिर कल सुबह तक कांग्रेस अपनी पहली सूची जारी कर सकती है। सुदेश जी, शुक्रिया रवि तमाम जानकारी के लिए। तो आज या कल कांग्रेस अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है। सब कमेटी की बैठक थी जो खत्म हो गई, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस बैठक से चले गए थे कुछ देर पहले ही, ऐसे में कुछ नाम जिन पर अभी फाइनल मुहर नहीं लगी है, लेकिन आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक कांग्रेस की है, उस बैठक में हो सकता है कि नाम फाइनल होने के बाद कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दे, ये आज भी संभव है और कल भी कांग्रेस के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जा सकता है।